हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम करेंगे व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट के सेशन में हमने ये देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में करेंगे कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमिट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अलग अलग पेरेंट्स नहीं होते हैं, इसके उसके अंदर तो सिर्फ सिंगल पेरेंट होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल है वो अलग अलग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके अंदर मेल और फीमेल गैमिट्स बनते हैं आइदर बाय सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल। मतलब क्या है इसका कि इसके अंदर या तो एक इंडिविजुअल के थ्रू ही मेल और फीमेल दोनों गैमिट्स बन जाते हैं, या फिर अलग अलग इंडिविजुअल के थ्रू अलग अलग गैमिट्स बनेंगे। तो जैसे मेल से मेल गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है और फीमेल से फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। तो मेल और फीमेल गैमिट का इसके अंदर क्या होता है, फ्यूज़न होता है, जिससे कि एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट क्या है, आगे मेच्योर होके डेवलप होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। यही लिखा हुआ है इसके अंदर कि जाइगोट डेवलप टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि जाइगोट आगे एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। दिस प्रोसेस इज एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो अलग था, लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये एक लंबा प्रोसेस होता है, इलेबोरेट विस्तार प्रोसेस होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा और स्लो प्रोसेस होता है, बहुत धीरे चलता है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसके अंदर तो क्या था कि वो कम टाइम में भी हो जाता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें ये लंबा टाइम चलता है, ठीक है, इसको टाइम लगता है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के अंदर। इसमें मेल एंड फीमेल गैमिट्स फ्यूज्ड एंड प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। जब हमने अभी पढ़ा था कि मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है और एक ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, यानी कि इन्होंने कहा है कि जैसे मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है जाइगोट बनता है, जाइगोट से ग्रो होके क्या बनती है, एक नया ऑर्गेनिज्म, तो वो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तो इसका मतलब वही है सेम जो पीछे अपने रीड किया है, बस इसकी एक नई डेफिनेशन बन गई कि बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट ए न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड और इट इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके अंदर क्या होता है, दे आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। ये क्या होते हैं कि पेरेंट्स से सेम नहीं होते हैं, ये अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। जैसे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्या रीड किया था कि उसके अंदर तो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, उनको क्लोन कहते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स हैं वो अलग अलग होते हैं, दिखने में वो एक जैसे नहीं दिखते हैं। ये तो था कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद में हम इसमें करेंगे कि व्हाट आर द फेजेस इन द लाइफ साइकिल, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमारी लाइफ के अंदर कौन कौन सी फेज आती हैं। थ्री फेजेस आर देयर इन ऑर्गेनिजम्स लाइफ, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर तीन फेजेस आएंगी। कौन कौन सी होंगी, फर्स्ट इज जुवेनाइल फेज, दूसरी है रिप्रोडक्टिव फेज एंड थर्ड है सेनेसेंट फेज। अब अपने इन तीनों फेजेस के बारे में डिटेल में रीड करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि व्हाट इज जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज क्या होती है, इसको वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि लाइफ की ग्रोथ होती है ना, वो इसके अंदर आती है। अब इसके बारे में अच्छे से देखते हैं कि क्या होता है। इट इज प्री रिप्रोडक्टिव फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ एन इंडिविजुअल। ये क्या होती है, रिप्रोडक्टिव फेज से पहले की फेज होती है। अब ये तो हमने रीड किया ही है कि तीन फेज हैं, कौन कौन सी, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज से पहले की फेज कौन सी होगी, ऑब्वियस सी बात है कि जुवेनाइल फेज होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इट इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन बर्थ ऑफ इंडिविजुअल अप टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। देखो ये फेज में कौन सा टाइम पीरियड आता है, हमारा जन्म होता है, जो बर्थ होता है
तब से लेके रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी से पहले तक की जो फेज़ टाइम पीरियड होता है ना, वो जुवेनाइल फेज़ के अंदर आता है। रिप्रोडक्टिव फेज़ का मतलब होता है जिसके अंदर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेच्योर होते हैं, ठीक है। तो उससे पहले तक की जो फेज़ होती है ना, वो होती है जुवेनाइल फेज़, यानी कि अपने मान सकते हैं 11-12 साल तक की उम्र होती है, वो कहेंगे, उसको कहेंगे जुवेनाइल फेज़, ठीक है। जुवेनाइल फेज़ ऑल्सो नोन एज द वेजिटेटिव फेज़ इन प्लांट्स, और प्लांट्स के अंदर जुवेनाइल फेज़ को वेजिटेटिव फेज़ कहते हैं। दिस फेज इज ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशंस इन डिफरेंट प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स। और ये जो जुवेनाइल फेज़ होती है, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होती है ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग। कैसे, जैसे किसी के अंदर तो होगी 4 साल, और किसी के अंदर 5 साल भी होती है, और किसी के अंदर 6 साल भी होती है, किसी के अंदर 10-11 साल भी होती है। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो उसके अंदर 10-11 साल के आसपास होती है, क्योंकि हमारी जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है वो 12 साल के बाद स्टार्ट होती है। तो अपने 10-11 साल के आसपास बोल सकते हैं कि जुवेनाइल फेज़ होती है। फिर सेकेंड है रिप्रोडक्टिव फेज़। रिप्रोडक्टिव फेज़ क्या होता है, एंड ऑफ जुवेनाइल फेज़। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जुवेनाइल फेज़ ख़त्म होगी फिर रिप्रोडक्टिव फेज़ स्टार्ट होगी। तो जुवेनाइल फेज़ के एंड से स्टार्ट होती है बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज़, यानी कि एंड ऑफ जुवेनाइल फेज इज बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज़, यानी जब जुवेनाइल फेज़ एंड होएगा तब रिप्रोडक्टिव फेज़ स्टार्ट होगी। अपीयरेंस ऑफ द फ्लावर्स इन हायर प्लांट्स इंडिकेट द सेक्सुअल मेच्योरिटी। अब सेक्सुअल मेच्योरिटी कब आती है हायर प्लांट्स के अंदर, हायर प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल मेच्योरिटी अगर इंडिकेट करनी है या अपने को देखनी है तो तब होती है जब फ्लावर्स उसके अंदर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। जब फ्लावर्स आने लग जाते हैं ना प्लांट्स के अंदर, तो समझ लो कि उसके अंदर सेक्सुअल मेच्योरिटी आ गई है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि सेक्सुअली देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फ्लावर के बेसिस पे ना ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। सबसे पहले अपने देखेंगे कि व्हाट इज मोनोकार्पिक प्लांट्स। मोनोकार्पिक कौन से होते हैं, दीज प्लांट्स फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ। ऐसे प्लांट्स क्या होते हैं कि अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावर देते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस के ऊपर क्या है कि ये बताया कि इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। आफ्टर फ्लावरिंग, यानी फ्लावर आने के बाद में, दे प्रोड्यूस फ्रूट एंड डाई, यानी कि जब फ्लावर प्रोड्यूस हो जाते हैं उसके बाद में ये फ्रूट देते हैं, और फ्रूट देने के जस्ट बाद में क्या होते हैं कि इनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए इनको मोनोकार्पिक कहा है कि ये अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार ही क्या करते हैं, फ्लावर्स देते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। अब इसके अंदर एग्जांपल कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से प्लांट्स इसके अंदर आएंगे, अब उसके बारे में देखेंगे। एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स एंड अ फ्यू पेरिनियल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स कौन से होते हैं, जो एक साल के अंदर एक बार फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें एग्जांपल कौन कौन से आएंगे, वीट एंड राइस। बाइनियल प्लांट्स कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं कि 2 साल के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, और 2 साल के अंदर मतलब अब फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। तो वो इसकी एग्जांपल कौन से होंगे, कैरेट और रेडिश। और कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि इसके अंदर आते हैं पेरिनियल प्लांट्स, क्योंकि पेरिनियल के कुछ प्लांट्स हैं वो मोनोकार्पिक में आते हैं, और कुछ प्लांट्स होते हैं वो पॉलीकार्पिक होते हैं। तो पेरिनियल प्लांट्स के कुछ ही एग्जाम्पल ही होते हैं जो कि मोनोकार्पिक के अंदर आएंगे। अ फ्यू प्लांट्स शो अनयूजुअल सर्टेन बैम्बू स्पीसीज, एग्जाम्पल बैम्बूसा टुल्डा। फ्लावर्स वंस इन देयर लाइफ टाइम यूजुअली आफ्टर 50 to 100 years, दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स देन डाई। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या है अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बारी क्या करते हैं कि फ्रूट्स यानी देते हैं, फ्लावरिंग उनके अंदर लाइफ में सिर्फ एक ही बार होती है। और इसका एग्जांपल इन्होंने क्या दिया है, बैम्बूसा टुल्डा, यानी बैम्बू स्पीसीज होती है बैम्बूसा टुल्डा, उसके अंदर लाइफ में सिर्फ एक बार, पूरी लाइफ टाइम में एक बार फ्लावर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, उन्हीं को पेरिनियल प्लांट्स भी कहते हैं। अब इसका एग्जांपल ये दिया हुआ है कि बैम्बूसा टुल्डा है वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करता है, ठीक है। तो यूजुअली आफ्टर 50 to 100 years दे प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स। ये क्या करते हैं, ये जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं ये
लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स देखते हैं और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो ये थे मोनोकार्पिक प्लांट्स, ठीक है। अब मोनोकार्पिक प्लांट के अंदर अपने एक और एग्जांपल देखेंगे, अनदर प्लांट स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, इसको इसका एक कॉमन नेम क्या है, नीला कुरंजी। फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स। अब ये क्या होते हैं, ये वाला जो प्लांट है ये अपनी लाइफ में हर 12 साल के बाद में फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। लास्ट टाइम दिस प्लांट फ्लावर्ड ड्यूरिंग अक्टूबर 2018, यानी कि इन्होंने 12 साल, यानी कि 12 साल बाद प्रोड्यूस होता है, यानी पहले 2006 में प्रोड्यूस हुआ होगा, उसके 12 साल बाद मतलब 2018 के अंदर जाके ये प्रोड्यूस हुआ था, ये जो फ्लावर है इस प्लांट का। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि अपनी लाइफ में 12 साल के बाद फ्लावरिंग करता है, तो उस प्लांट का नाम क्या है, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, ओके, जो कितने टाइम बाद, 12 ईयर्स के बाद में फ्लावरिंग देता है। और इसका लास्ट टाइम कब था फ्लावरिंग करने का, अक्टूबर 2018। इट इज़ फाउंड इन हिली एरियाज, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये क्या है, हिली यानी पहाड़ी इलाकों में, हिली एरियाज में प्रेजेंट होता है, और कौन कौन से, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, और अट्रैक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, और वहाँ पे जो घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं उनको अपनी ब्यूटी से अट्रैक्ट करता है साथ में। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्टिव फेज भी क्या होती है, अलग अलग होती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी कि सभी ऑर्गेनिजम्स की सेम नहीं होती रिप्रोडक्टिव फेज, सबकी अलग अलग होती है। ये तो था सारा मोनोकार्पिक प्लांट्स के बारे में। अब इसके बाद में हम देखते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स। दीज प्लांट्स आर पेरेनियल एंड फ्लावर रेपिटेडली एट इंटरवल एवरी ईयर, यानी कि इन्होंने कहा है कि पेरेनियल प्लांट्स है ना वो पॉलीकार्पिक प्लांट के अंदर आते हैं। और पेरेनियल का मतलब क्या होता है, जो क्या होते हैं कि एक इंटरवल के बाद में बारी बारी से फ्लावरिंग करते हैं, ऐसा नहीं है इसमें कि ये एक ही बारी प्रोड्यूस करेंगे, ये कई बार अपनी लाइफ में प्रोड्यूस करते हैं। तो एक ईयर में कुछ इंटरवल के बाद, यानी कि 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद, एक इंटरवल के बाद में दोबारा फ्लावरिंग कर लेते हैं ये, तो इनको पेरेनियल प्लांट कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि एप्पल, मैंगो, ऑरेंज और ग्रेपवाइन, ये सारे क्या पेरेनियल प्लांट्स हैं, इनको पॉलीकार्पिक प्लांट्स भी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब जो हमने ये पढ़ा था पहले, ये तो था प्लांट्स का कि प्लांट्स में कैसे होते हैं, अब एनिमल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि ब्रीडिंग, क्या ब्रीडिंग एनिमल्स के अंदर कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, कौन कौन सी, सीजनल ब्रीडर्स एंड कॉन्टीन्यूअस ब्रीडर्स। अब अपने ये देखते हैं कि सीजनल ब्रीडर और कॉन्टीन्यूअस ब्रीडर्स क्या होते हैं। पहले अपनों ने प्लांट्स के बारे में रीड किया, अब अपने एनिमल्स के बारे में रीड करेंगे। तो सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं, जो सीजन के अकॉर्डिंग ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, यानी ऑर्गेनिजम्स वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं। कॉन्टीन्यूअस यानी कि जो लगातार प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसके अंदर क्या आएगा, सीजनल में दे रिप्रोड्यूस एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर सच एज फ्रॉग, लिजर्ड, मोस्ट बर्ड्स एंड डियर, यानी कि ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर पीरियड के बाद में रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, यानी नए ऑर्गेनिजम्स को अगर रिप्रोड्यूस करना है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है उसके बाद में ही करते हैं, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग। इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे जैसे कि फ्रॉग है, लीजर्ड्स हैं और बर्ड्स हैं और डियर, ये सब सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। कंटिन्यूस ब्रीडर्स कौन से होते हैं, दीज एनिमल्स कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट देयर सेक्सुअल मेच्योरिटी, यानी कि अपनी सेक्सुअल मेच्योरिटी के टाइम पे क्या है, ये कंटिन्यूसली ब्रीडिंग कर सकते हैं, यानी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स कौन से आएंगे, हनी बी, क्वीन, क्वीन, अब ये मत समझना कि कोई कौन सी क्वीन, यानी कि हनी बी और में होती है ना क्वीन होती है, वर्कर्स होते हैं, तो उसमें जो ये क्वीन होती है मधुमक्खियों की एक कैटेगरी है क्वीन, तो वो क्या है, कंटिन्यूस ब्रीडिंग कर सकती है। रैबिट, माइस और कैटल,
ये सब क्या है, कंटिन्यूस ब्रीडिंग कर सकते हैं। इन फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स देयर आर साइक्लिक चेंजेस इन ओवेरीज असेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट एंड हार्मोन्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। यानी कि जब ये रिप्रोडक्टिव फेज होती है, इस टाइम पे क्या होता है, फीमेल्स के जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं, किस किस के अंदर, ओवेरीज के अंदर आते हैं, असेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट के अंदर और हार्मोन्स में, इन सब में चेंजेस आते हैं, एक साइक्लिक चेंजेस होते हैं कि टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं। तो इसके बेसिस पे इनको टू टाइप के बताया गया है। ये कौन कौन से होते हैं, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज कॉल्ड मेस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये क्या होता है कि इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, प्राइमेट्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको तो कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन आ जाएंगे, जैसे मंकीज आ जाएंगे, एप्स आ जाएंगे और ह्यूमंस। यानी ये तो मंकीज है, इसकी डेवलप फॉर्म क्या है, एप्स है, एप्स की आगे डेवलप फॉर्म ही तो हम ह्यूमंस हैं। तो ये अपनी, यानी अपने जो हैं, अपन सब क्या हैं, प्राइमेट्स हैं। ठीक है, नॉन प्राइमेट्स में क्या होता है कि इनमें जब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चेंजेस आते हैं, साइक्लिक चेंजेस, तो उसको एस्ट्रस साइकिल कहते हैं, और प्राइमेट्स के अंदर आते हैं तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो नॉन प्राइमेट्स में कौन कौन से आते हैं, काओ, शिप, रैट, डियर, डॉग एंड टाइगर। तो इन सब में ये सब नॉन प्राइमेट्स हैं। तो ये था हमारा रिप्रोडक्टिव फेज। यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर क्या होते हैं, साइक्लिक चेंजेस आते हैं, या फिर अपने कहें कि इसके अंदर फ्लावरिंग वगैरह के बारे में हमने देखा कि मोनोकार्पिक प्लांट्स कौन से होते हैं, पॉलीकार्पिक कौन से होते हैं। तो अब इसके बारे में जो लास्ट लाइफ साइकिल फेज आती है वो है सेनेसेंट फेज। यानी कि ये लास्ट होती है, ये कहाँ से कहाँ तक होगी, रिप्रोडक्टिव फेज का जब एंड होता है वहाँ से शुरू होगी और लास्ट तक, हमारी डेथ तक यही फेज होती है। सेनेसेंट फेज में क्या होता है, इट बिगन्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। ये रिप्रोडक्टिव फेज के एंड से स्टार्ट होती है और टर्मिनल इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ एजिंग इज कॉल्ड सेनेसेंस। यानी कि हमारी लाइफ का बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट होता है ना, उसको बोलते हैं सेनेसेंस। लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन लीड टू डेथ, यानी हमारी डेथ तक, ये लास्ट डेथ तक जो फेज होगी उसको बोलेंगे सेनेसेंट फेज। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेजेस। अब क्या इन्होंने बताया है कि हमने तीन फेजेस पढ़ी हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज। तो इन तीनों फेजेस में जो ये ट्रांजिशनल चेंजेस आ रहे हैं कि पहले वो ग्रो हुए, फिर उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हुए, फिर ऑर्गन्स बनने के बाद में उन्होंने अपना रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट करने के बाद में जो लास्ट डेथ तक का जो फेज होता है, तो इन तीनों फेजेस के अंदर धीरे धीरे जो चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस किसके वजह से होते हैं, उन चेंजेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये ट्रांजिशन में हेल्प करते हैं। तो हार्मोन्स का सबसे मेन रोल होता है इसके अंदर। ओके गाइस, तो ये था हमारी लाइफ साइकिल से रिलेटेड फेजेस कि कौन कौन सी फेज आती हैं और उसके अंदर क्या क्या आता है। ये तो अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टार्ट है कि हमने इसका इंट्रोडक्शन के फॉर्म में ही पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी फेजेस आती हैं और उसकी जो बेसिक टर्म्स हैं कि आगे जो हमें हेल्पफुल होंगी वो चीज़ पढ़ी है। अब आप इसको अच्छे से करोगे तभी आपको आगे के पॉइंट समझ में आएंगे, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से कर लेना। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप इसके नोट्स लेने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसी चैनल के नाम पे बना हुआ है। तो आप टेलीग्राम डाउनलोड करो और हमारे चैनल को ज्वाइन करो, तो वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एज इट इज़ ये नोट्स मिल जाएंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल्स होंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइज़।